तो हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। मैं राहुल गुप्ता, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल गुप्ता व्लॉग्स पे। और आज मैं आया हूँ ददरी मेला के उसी ग्राउंड पे जहाँ पे ददरी मेला जो फेमस है बलिया की शान आन मान, वो मेला लगने जा रहा है 8 तारीख से, यानी 8 नवंबर से ये मेला लगने वाला है। बहुत लोगों का इंतज़ार होता है कि ददरी मेला कब शुरू होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूँ कि ददरी मेला के उसी ग्राउंड पे सारी चीज़ें, यानी झूला हो या फिर दुकानें हो, सब कुछ लगना शुरू हो गया। इनके पार्ट्स आ गए हैं, आप देख सकते हो पीछे ये पूरा, जहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा जो ग्राउंड है, यहाँ पर सारे झूले लगते हैं और उसके पार्ट्स आ गए हैं और धीरे धीरे असेंबल भी होना शुरू हो गया, यानी लगना शुरू हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे साइड में दुकान भी अलॉट होने वाले हैं, जितने सारे शॉप खुलते हैं सब कुछ अलॉट होने वाला है। और वही चीज़ आपको दिखाते हैं कि क्या है इस ददरी मेला में इस बार लगने वाला है, सब कुछ दिखाएंगे, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वक्त यहाँ पे ददरी मेला के पास में खड़ा हूँ और जो लोग झूला लगाते हैं, झूला के ओनर हैं, उनसे मैं बात कराने जा रहा हूँ कि इस बार कौन कौन से बेहतरीन झूला आए हुए हैं। और पहले तो इनका नाम जानते हैं भैया, आपका शुभ नाम बताइए। विवेक सिंह पड़ेगा। अच्छा विवेक सिंह जी, और भैया आपका? विवेक राय। और आपका भैया? मेरा नाम अरुण पांडे। अरुण पांडे। तो भैया ये लोग तीनों लोगों का ग्रुप है और यही लोग झूला लेके आए। भैया कुछ बताइए, क्या इस बार कौन कौन से झूला आए हुए हैं ददरी मेला में? तकरीबन सारे झूले पुराने वही हैं जो हर साल लगते थे, इस बार आपका एक नए में टावर आ रहा है। अच्छा। और आपका और भी कुछ बच्चे के नए नए आइटम आए हुए हैं जी, और बड़े झूले में नए में आपका टावर जी। और पुराने में कौन कौन से झूले हैं अभी? जॉइंट व्हील है, नाव है, टोरा टोरा है, ब्रेक डांस है। अच्छा, और भी है भैया? जो इतने सारे झूले लगने वाले हैं इस ददरी मेला में, हालांकि बहुत फेमस ददरी मेला है अपना, और काफ़ी आप पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे झूले आए हुए हैं। तो भैया लोगों ने सारी चीज़ें बताई, बाकी भैया ददरी मेला कब से शुरू हो रहा है? 8 तारीख से। और कब तक रहने वाला है भैया? 29-30 तक इस बार ददरी मेला रहने वाला है, और फुल मज़ा आप लोगों को भैया कराने वाले हैं, क्योंकि झूले के बिना मेला अधूरा होता है, और भैया लोगों की मदद से यहाँ पे ददरी मेला में झूला आता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी मैं हूँ फिलहाल ददरी मेला के झूले वाले ग्राउंड में, और आप पीछे देख सकते हो कि जितने सारे झूले हैं सारा असेंबल हो रहा है, और जितने भी उसके पार्ट्स हैं आके रखे जा चुके हैं ग्राउंड में, और ग्राउंड बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन हो चुका है। और फिलहाल आप देख सकते हो पीछे पूरा झूले के पार्ट्स आ गए हैं और साथ ही साथ सारी चीज़ें असेंबल भी होने लगी हैं। और देखते हैं इस बार ददरी मेला में क्या कुछ खास होने वाला है। हालाँकि भैया लोगों ने काफ़ी चीज़ें बताई झूले के बारे में, और काफ़ी कुछ नया भी आने वाला है, वो सारी कुछ आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ये पूरे पीछे पार्ट्स रखे हुए हैं झूले के, बड़े वाले झूले, जॉइंट व्हील का है, ब्रेक डांस है, और भी छोटे मोटे बड़े सब झूले आ चुके हैं फिलहाल तो। बाकी आपको पूरा दिखाते हैं कि ददरी मेला का ग्राउंड इस बार तैयार हो रहा है। अभी तो 8 तारीख को मेला शुरू है, और फिलहाल ग्राउंड का कुछ हाल ऐसा है क्योंकि खेत में लगता है ये मेला, और ये पूरा मेले का सीधा लंबा ग्राउंड है। और घुमाते हैं कि क्या क्या अभी तैयारी शुरू है ददरी मेला से कुछ दिन पहले की, मैं ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि इस बार ददरी मेला में क्या कुछ खास और नया होने वाला है। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये जो ग्राउंड है, यहाँ से शुरू होता है ददरी मेला का बीच वाला, जहाँ पर ये सारे झूले लगते हैं। साथ ही में यहाँ से आप देख सकते हो इधर साइड सारे शॉप खुलना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल अभी ग्राउंड को पूरा मेंटेन किया जा रहा है, ये पूरा खेत होता है तो इस ग्राउंड को मेंटेन करके प्लेन किया जा रहा है, ताकि सारे शॉप्स लग सके और दुकानें जितने भी लगने वाले हैं सब कुछ लग सके। और अभी फ़िलहाल धीरे धीरे सब कुछ आ रहा है ददरी मेला का, हमारा वही मेला जो कि हम बहुत इंजॉय करते हैं इस मेले में। तो अभी आप देख सकते हो वहाँ पर ट्रक आके खड़ी है जो कि सामान अनलोड हो रहा है, बाकी इधर जितने भी खेत है उसको सही प्लेन सपाट किया जा रहा है धीरे धीरे। तो इधर आप देख सकते हो कि ये लोग भी अपना धीरे धीरे सामान ला रहे हैं, यहाँ पे जो जगहें होती हैं वो लोग अपना बुक करते जा रहे हैं, ताकि अपनी छोटी छोटी शॉप खोल सके और आपको मेले का मज़ा दिला सके। और यहाँ पे अभी ज़मीन अलॉट हो रहा है धीरे धीरे, और उधर साइड आप देख रहे हो जितना वो सामने भी जितना DCM ट्रक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, सब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं,
ताकि ददरी मेले को और भी खूबसूरत और आपके लिए बेहतरीन बना सके। तो फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये कि मेला से जो गेट होता है, एंट्री होता है, वहीं के पास खड़ा हूँ अभी। और ये मंदिर है, यहाँ पे पूरा कार्यक्रम पूरा लगना शुरू हो चुका है। जितने भी दुकानदार है वो लोग आने लगे हुए हैं। फिलहाल ये लोग को सामान पेंटिंग वगैरह सारी चीज़ें शुरू हैं। और आप देख सकते हो कि पूरा ग्राउंड धीरे धीरे सही किया जा रहा है ताकि ददरी मेले को सही ढंग से लगाया जाए। और आप देख लीजिए, मेले से कुछ दिन पहले का है, ददरी मेले में क्या कुछ नया आया हुआ है वो भी सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि ऐसे ही मस्त अमेजिंग वीडियो मैं आपके तक ला के देता रहूँ। और फिर निकलते हैं यहाँ से, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों को पता चल सके कि ददरी मेला इस बार बलिया में फिर से लगना जा रहा है और आप लोग बहुत ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं इस ददरी मेला में। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। और फिर निकलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।